एंड अब देखते हैं इस हफ्ते की कुछ पॉजिटिव न्यूज ऑफ द वीक। ऑलमोस्ट 27 सालों के बाद मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट अब इंडिया में होने जा रहा है। अगर आपको नहीं पता तो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स ये काफी फेमस और काफी ग्लैमराइज कॉम्पिटिशन होते हैं, और पिछली बार मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन इंडिया में हुआ था 1996 में, और अब सीधा डायरेक्टली होगा 2023 में। एंड वाइल ब्यूटी पेजेंट कॉम्पिटिशन रिसेंट टाइम्स में काफी क्रिटिसाइज हुए, बट इनका क्रेज अभी भी बरकरार है, क्योंकि जब भी कोई लड़की ये कॉम्पिटिशन जीत जाती है तो उसके अपने देश में करियर स्टार्ट करना बहुत आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय और मनीषी छिल्लर, ये वो नाम है जो देश के लिए पहले मिस वर्ल्ड जीत चुकी है, जिसके बाद ये बॉलीवुड में आई और उसके बाद अब तो सब जानते हैं उन्हें। खैर, इस साल हमारे देश को इस कॉम्पिटिशन में रिप्रेजेंट करेंगी सिनी शेट्टी, नॉट रिलेटेड टू आथिया शेट्टी। अगली पॉजिटिव न्यूज है नेपाल से, जहां गेलजे शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर एक मलेशियन क्लाइंबर की जान बचाई। नाउ इस हफ्ते एक बड़ी वायरल खबर थी और उसका रीजन भी बताऊंगा क्यों। फिलहाल जान लो कि शेरपा कौन होते हैं। देखो, हर साल सैकड़ों एंथुजियास्ट माउंट एवरेस्ट समिट करने जाते हैं, एंड इस प्रोसेस में वहां के लोकल शेरपास जो होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि लोग तो चले जाते हैं बट वहां की जो कंडीशंस होती हैं, जो एयर प्रेशर होता है, जो ऑक्सीजन लेवल होता है, उसके टाइम पे उन लोगों को लोकल्स की हेल्प चाहिए होती है। तो जो शेरपा होते हैं वो उनको लेके जाते हैं, रूट पे उनके गाइड करते हैं, उनका टेंट, उनका सामान कैरी करते हैं, और उनको उतना क्रेडिट मिलता नहीं है यूजली जो डिजर्व करते हैं। इनफैक्ट जो पहला इंसान था जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था, एडमंड हिलेरी, उसके साथ जो शेरपा थे टेंजिंग नॉर्वे, उस टाइम पर टेंजिंग को ज्यादा किसी ने क्रेडिट दिया नहीं था, न्यूज़पेपर, मीडिया, हर जगह सिर्फ एडमंड का नाम था। बाद में उन्होंने बोला कि भाई शेरपा के बिना तो ये हो नहीं पाता। खैर, इस हफ्ते की स्टोरी थी इन भाई साहब की, जो चौथी बार माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने पहुंचे थे, और फिर जब ये डेथ जोन में पहुंचे तो इनकी फटली, ये वहां पर बेहोश हो गए, और अगर ये शेरपा वहां पे नहीं होता तो शायद आज ये जिंदा ना बचते, क्योंकि इस शेरपा ने अपने क्लाइंट को छोड़कर पैसा त्याग कर इस आदमी को बचाया, इन्हें कंबल में बांधा और 6 घंटे तक अपनी पीठ पर लादकर एवरेस्ट के बेस कैंप 4 तक पहुंचाया, जहां से इनका रेस्क्यू किया गया, एंड रवि इज फाइन नाउ। और इस बंदे का एटीट्यूड देखो, एक शेरपा ने इसकी जान बचाई, बाद में घर पे जाके इसने सारे इंटरव्यूज दिए टीवी चैनल्स को, न्यूज़पेपर को, बट शेरपा को कहीं क्रेडिट नहीं दिया, अपनी कंपनी को क्रेडिट दिया। बाद में जब लोगों ने लताड़ लगाई तब आया ऊंट एवरेस्ट के नीचे। अच्छा, ये जो माउंटेनियरिंग है, अगर इसके बारे में आप इंटरेस्टेड है, आप जिज्ञासा रखते हैं, तो आप नेटफ्लिक्स पर 14 पीक्स डॉक्यूमेंट्री जरूर देखना, एंड लेट दिस बी द रिकमेंडेशन ऑफ दिस वीक। 14 पीक्स डॉक्यूमेंट्री का नाम इसलिए क्योंकि दुनिया भर में ऐसी 14 पीक्स हैं, मतलब 14 ऐसे पहाड़ हैं जिनकी जो हाइट है वो 8000 मीटर से ऊपर है। दिस इज द टफेस्ट टू क्लाइंब, व्हिच इंक्लूड्स माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा वगैरह वगैरह। इसमें एक माउंटेनियर्स का ग्रुप होता है, व्हिच आल्सो इंक्लूड्स गेलजे शेरपा, और ये लोग पूरी 14 पीक जो होती है उनको समिट करने की कोशिश करते हैं। बड़ी अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री है जो आपको माउंटेनियरिंग के बारे में, कितने उसमें रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, क्या स्किल्स होती हैं, पहाड़ के बारे में, माउंटेनियरिंग के बारे में आपको बहुत सीखने को मिलेगा, और जो लैंडस्केप है जो शूट हुआ है बहुत सुंदर है, मजा आ जाएगा देख के। नेटफ्लिक्स पर है, जाके देख लेना, सब्सक्रिप्शन ना हो तो दोस्तों से मांग लेना।